जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधक क्षमता उसकी लंबाई और क्षेत्रफल के अनुसार बदलती है। निकल कोरिनियम की 1 मीटर लंबाई की एक तार ली, जिसकी चौड़ाई अलग है और उसके प्रतिरोध को मिलीमीटर के हिसाब से नापाया गया है। अगर तार सैंकड़ी है तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा, बजाय इसके चौड़ी तार का प्रतिरोध कम होगा। आगे हम इन सभी तारों को श्रेणी में जोड़ेंगे। जब हम अलग अलग प्रकार की तारें परिपथ में जोड़ते हैं तो एलईडी के प्रकाश की तीव्रता में फर्क आता दिखाई देता है। चौड़ी तार के लगाते ही एलईडी का प्रकाश बढ़ जाता है और पतली तार को लगाते ही प्रकाश घट जाता है। तार की लंबाई पर भी प्रतिरोध निर्भर रहता है। जब हम भूरी तार को सरकाते हैं तब परिपथ में निक्रोम तार की लंबाई में परिवर्तन आता है। अधिक लंबाई का अर्थ होता है अधिक प्रतिरोध। इसका निरीक्षण हम प्रतिरोध में हुए परिवर्तन और प्रकाश की तीव्रता के आधार पर कर सकते हैं। यही अभ्यास हमें एक ही चौड़ाई की पर भिन्न धातुओं के तारों को लेकर भी कर सकते हैं, या फिर समान लंबाई की पर भिन्न धातुओं के तारों को लेकर भी कर सकते हैं। कोशिश तो करके देखिए। संवाहक और विसंवाहक, सुचालक और कुचालक। सुचालक हम उन पदार्थों को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन के मुक्त संचार सहायक होते हैं। उसके विपरीत कुचालक पदार्थ इलेक्ट्रॉन के मुक्त संचार में बाधक होते हैं। यहां पर हमने एक सामान्य से परिपथ का निर्माण किया है जिसमें हमने दोहरी ए बैटरियों को लगाया है और विविध प्रकार के धातुओं को क्रमबद्ध जोड़ा गया है। इसके द्वारा हम देखने वाले हैं कि क्या ये विद्युत के सुचालक हैं या कुचालक। जब एलईडी बल्ब जल उठता है तब वो इस बात का द्योतक है कि वो धातु या पदार्थ सुचालक है। यूपिन ये धातु से निर्मित होती है और विद्युत की सुचालक होती है, पर दिया सलाई, प्लास्टिक से बनी पिन और इरेजर ये विद्युत के कुचालक होते हैं। आप भी इस प्रकार अपने आसपास के पदार्थों को लेकर ये गतिविधि कर सकते हैं। श्रेणी क्रम और समांतर परिपथ। एक साधारण आम सा परिपथ धातुओं की पिन, तारे, एलईडी प्रतिरोधक जैसी वस्तुओं की सहायता से बनाया जाता है। इसमें दोहरी ए बैटरी ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करती है। फोम की शीट को काटकर उनसे बैटरी धारक बनाया जाता है, जिसमें 2, 3 या फिर 4 बैटरियों को रखने का प्रावधान किया जाता है। धातु के इस्तेमाल के कारण हमें परिपथ के सारे घटकों को जोड़ने में आसानी हो जाती है, उन्हें अलग से टांकने की जरूरत नहीं पड़ती है। मल्टीमीटर इन इकाई का उपयोग विभवांतर को, विद्युत प्रवाह को और घटकों के प्रतिरोध को नापने के लिए किया जाता है। परिपथ में प्रतिरोधक का इस्तेमाल करना अच्छा होता है, इससे विद्युत के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर 100 ओहम है तब प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम विविध पदार्थों के विभवांतर को नापते हैं। अगर ऊर्जा के स्रोत के पार 3 वोल्ट है तो 1.92 वोल्ट एलईडी और 1.1 वोल्ट प्रतिरोधक के पार होगा। इन दोनों का जोड़ लगभग ऊर्जा के स्रोत द्वारा वोल्टेज में आई कमी के बराबर होगा। विद्युत प्रवाह को परिपथ में मल्टीमीटर को जोड़कर नापा जाता है। हम एक भाग को निकालकर वहां पर मल्टीमीटर लगाएंगे। इस स्थान से जो विद्युत का प्रवाह हो रहा है वो 9.1 मिली एम्पियर है। इसके साथ अन्य स्थान से बहने वाला विद्युत का प्रवाह भी 9.1 मिली एम्पियर है। श्रेणी क्रम में परिपथ से गुजरने वाला विद्युत प्रवाह हर जगह समान होता है। ये इस तथ्य के अनुरूप है, जब विभवांतर 1.1 वोल्ट है और प्रवाह 9.1 मिली एम्पियर है तो क्या आप ओहम के नियम का उपयोग कर प्रतिरोध की मात्रा निकाल सकते हैं। यही अभ्यास समांतर में जोड़े गए एलईडी के साथ भी दोहराया जा सकता है। एलईडी का विभवांतर 1.8 वोल्ट है जो सब जगह समान है। हर शाखा से प्रवाहित होने वाले विद्युत प्रवाह को नापा जाता है और साथ ही बाह्य परिपथ के विद्युत प्रवाह को भी नापा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि इस स्थान पर प्रवाह की क्या मात्रा हो सकती है। यही अभ्यास अलग अलग परिस्थितियों में करके देखें। जैसे समांतर परिपथ में 2 एलईडी के साथ, या फिर जैसे दिखाया गया है श्रेणी क्रम परिपथ में 1 एलईडी के साथ। फ्यूज, उनके प्रकार और उनके उपयोग। फ्यूज सुरक्षा प्रदान करने वाले उपकरण हैं।
ये हमारे घरेलू उपकरणों की जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, संगणक इत्यादि की अधिक मात्रा में वोल्टेज या विद्युत प्रवाह के चलते रक्षा करता है। अधिक प्रवाह के चलते अनेक बार ये उपकरण बहुत गर्म भी हो जाते हैं या फिर खराब भी हो सकते हैं। फ्यूज धातु के पतली पट्टियों से या फिर लड़ से बनाए जाते हैं। जब परिपथ में से अधिक प्रवाह प्रवाहित होता है तब फ्यूज पिघल जाता है, जिससे परिपथ खुल जाता है और प्रवाह रुक जाता है। फ्यूज विद्युत के तापीय प्रभाव के तत्व पर काम करता है। वो धातु के पतली पट्टी या फिर लड से बनता है जिसका आवरण किसी गैर दहनशील पदार्थ से बनाया जाता है। ये पट्टी एल्यूमिनियम, तांबे या फिर जस्ते जैसी धातुओं से बनती है जो दोनों टर्मिनल के बीच में जोड़ी जाती है। विद्युत परिपथ के साथ फ्यूज को हमेशा श्रेणी में ही जोड़ा जाता है। कारतूस के आकार के फ्यूज कम वोल्टेज वाले उपकरणों में इस्तेमाल किए जाते हैं। वे कांच के पात्र में होते हैं और उनमें एक धातु का सुचालक होता है। इस फ्यूज में जो धातु की तारें होती है वे अधिक मात्रा में विद्युत प्रवाह के चलते टूट जाती हैं और फिर फ्यूज को इसके साथ बदलना पड़ता है। ये एक धारक के अंदर रखा जाता है जिसे परिपथ में रखना या निकालना आसान होता है। फ्यूज में वोल्टेज और प्रवाह की मात्रों में लिखा होता है और उसी के अनुसार उन्हें परिपथ में लगाया जाता है। ऐसा फ्यूज जिसमें तार को आसानी से बदला जा सकता है, रिवायरिएबल फ्यूज। इस फ्यूज की विशेषता यह है कि फ्यूज धारक को बिजली का धक्का लगे बिना आसानी से निकाला या लगाया जा सकता है। फ्यूज का तला आवक जावक टर्मिनल की भांति काम करता है। ये चीनी मिट्टी से बना होता है। फ्यूज धारक जिसका काम फ्यूज को पकड़े रहना होता है वो टिन, तांबे, एल्यूमिनियम या फिर शीशे से बना होता है। इनका उपयोग घरेलू वायरिंग और लघु उद्योगों में किया जाता है। जब फ्यूज पिघलता है तब उसे बदलना पड़ता है। इस समस्या को हल करने के लिए लघु परिपथ भंजकों का अर्थात मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स MCB का उपयोग किया जाता है। जब अधिक मात्रा में विद्युत प्रवाह MCB खुद ब खुद ही परिपथ को भंग करते हैं। परिपथ में निर्माण दोष को ठीक करने के बाद हम MCB को शुरू कर परिपथ को पूर्ण कर विद्युत प्रवाह को पूर्ववत कर सकते हैं। सारांश, इस वीडियो में हमने परिपथ को समझने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की। क्यों ना आप भी रोजमर्रा की चीजों का उपयोग कर इस प्रकार के परिपथों को बनाने की कोशिश करें।